सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर फूडी। और हम आ चुके हैं अहमदाबाद में चंद्रविलास रेस्टोरेंट में। और यहाँ के मतलब ये सबसे ओल्ड दुकान है यहाँ का, 120 ईयर्स हो चुके हैं। और इनकी जलेबी और फाफड़ा बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स लोग आ चुके हैं, फिल्म स्टार आ चुके हैं। तो चलो कैसी है मेकिंग देखते हैं और ओनर से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो कैसे हो? बस मजे में सब। मतलब ये आपने पहले से कितने साल पुराना है दुकान है? 120 साल। मतलब आपके ये पापड़ा और जलेबी में ऐसा क्या खास है, लोग पसंद करते हैं ज़्यादा यहाँ? वैसे तो हर तरह से जो इंग्रेडिएंट्स है हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी लाते हैं, लोगों को पता है ऐसा। और दूसरा ये कि 120 साल पहले हाँ जी, ये तब से बनाना शुरू हुआ है। वैसे ओरिजिनली चाय से शुरू किया था। चाय से शुरू किया? हाँ जी। तो हमारी चाय भी बहुत फेमस थी। ओके। पर डे 18,000 कप चाय। पर डे 18,000? हाँ जी, उस जमाने में जाता था। अब तो कम हो गया। ओके। मगर तब से ये उसके साथ साथ। ओके ओके। मतलब मैंने सुना है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आके आपके मतलब आ चुके हैं। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई अपने यहाँ मेयर थे। अच्छा। तो अक्सर चाय पीने और रतालू की पूरी बनती थी। रतालू की पूरी? हाँ। अच्छा। तो वो उनको बहुत पसंद थी। ओके। तो वो आते रहते। आपकी मतलब ये कौन सी पीढ़ी है अभी चल रही है? हम लोग थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन। और अभी मेरा भतीजा, मेरी डॉटर सब है, स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब वो संभाल रहे हैं अभी। ओके ओके। क्या प्राइस रहता है यहाँ पे फाफड़ा और जलेबी का? फाफड़ा है 520 रुपये किलो है। okay. और जलेबी है प्योर घी से बनाते हैं, वो 680 किलो। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स भी आ चुके हैं। मतलब आपने पोस्टर लगा के रखे हैं, मतलब ये सब आ चुके हैं यहाँ पे? हाँ, कोई आ चुके हैं, कोई खा चुका है। ये जो असरानी और किशोर कुमार है तो उनका तो यहाँ पिक्चर का शूटिंग हुआ था यहाँ पे, माँ बाप का ने शुरू किया था। ओके ओके। चाय से शुरुआत की, उसके बाद में फाफड़ा बनाया। ओके। तो फाफड़ा के साथ जो अपनी कढ़ी बनती थी वो बड़ी फेमस थी। तो हमने फिर ऐसा, ग्रैंडफादर ने ऐसा शुरू किया कि एक ट्रॉली जैसा बनाया, ट्रॉली उसके ऊपर बड़ा कंटेनर रखा। ओके। और कमंडल आता है पीरसने का यहाँ मेरा में, तो उससे सबको कढ़ी देते थे कि भाई जितना जी चाय खा सकते हैं, मतलब जितना आप ले सकते हैं लोग। फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे जलेबी इंट्रोड्यूस की। फाफड़ा अलग से खाया जाता था, जलेबी भी अलग से खाई जाती थी, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन, और वो भी पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा, वो ट्रेंड हमारे यहाँ से शुरू हुआ। मतलब आपने ही चालू किया है ये ट्रेंड? क्या हुआ? तो दशहरा के दिन तो यहाँ बड़ी क्यू लगती है और लोग रात से ही शुरू हो जाते हैं। नौ से चालू, नौ दशहरा ऐसे चलता रहता है। कौन सा आटा था सर? बेसन, बेसन का आटा। अच्छा। इसको मतलब प्रिपरेशन करके रखते हैं क्या सब? हाँ, सब मसाला तैयार करके। अच्छा अच्छा। क्या क्या पड़ता है इसमें? अजवाइन, ब्लैक पेपर। अच्छा। पापड़ खारा। हाँ हाँ। सॉल्ट, हींग। ओके ओके। उसके अंदर 1 किलो के अंदर 100 ग्राम ऑयल लगता है बांधने में। अच्छा। हाँ। ये रेगुलर चलते ही रहते हैं क्या? तो भी 1 घंटे में कितना फाफड़ा बना लेते हो? 1 घंटे में फाफड़ा बन जाता 10 किलो के आसपास। क्या बात है, बहुत स्पीड है। ये कौन सा आटा रहता है? मैदा। मैदा रहता है। घी में तला जाता है क्या? हाँ। Thank you.
तो ये कुशल है, ये बटाटा बटाटे की सब्ज़ी है, ये पपैया की जो सलाद देता है वो है, ये पात्रा है, ये छोले हैं और पूरी दी है, और यहाँ पे इसको मेथी का वड़ा बोला जाता है, मतलब वो मेथी का वड़ा समोसा, और यहाँ की फेमस जलेबी एंड फाफड़ा, और ये है यहाँ है कहीं कड़ी, और ये मीठी चटनी। तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे जलेबी और फाफड़ा, जलेबी एंड फाफड़ा ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, और जो जलेबी है वो पूरी घी में तली गई थी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनकी जलेबी, बहुत ही बढ़िया है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है फाफड़ा और जलेबी का है, इसको मतलब तोड़ी नहीं है और बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो फर्स्ट हम पूरी एंड छोले ट्राई करते हैं। छोले ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मीडियम है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पूरी मतलब अभी वो तुरंत एक सेकंड ट्राई करना है मात्रा। देखने में मिर्ची डाला हुआ है और मेथी का ये डाला हुआ है, तो ये सब है, ये मैं फिनिश करता हूँ। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप भी अगर अहमदाबाद आ रहे हो यहाँ पे आके ये ट्राई करना ना भूलें, बहुत ही बढ़िया जगह है।